केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनका 65वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश नेरकर इनके नेतृत्व में और विधायक मोहन मते इनके मार्गदर्शन में पडोले सभागृह में भव्य रक्तदान शिविर का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जरूरतमंदों को रक्तदान किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लिए भगवान से लंबी उम्र की कामना भी की है। आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनका 65वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के पडोले सभागृह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश नेरकर इनके नेतृत्व में और विधायक मोहन मते इनके मार्गदर्शन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। सुबह से ही कार्यकर्ता एक एक कर रक्तदान करते हुए दिखाई दिए। आज शहर में खून की काफी किल्लत पाई जाती है, जिससे कई मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कई मरीजों की बिना खून के ही मौतें हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया ये रक्तदान शिविर यकीनन मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस मौके पर विधायक मोहन मते इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। ब्लड ये ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं रहता और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर ने जो धूपकाले में ब्लड की कोई कमी ना हो शहर में, तो मैंने कोविड का समय भी देखा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई पैनिक सिचुएशन ना आए इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम का माननीय नितिन जी के वार दिवस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण नागपुर से 1000 बॉटल ये खून की सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमा हुई है, जिसके कारण नागपुर के किसी रुग्ण को कोई तकलीफ ब्लड के बारे में न हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर भव्य रक्तदान किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश नेरकर और परिट समाज के महाराष्ट्र अध्यक्ष डीडी सोनटक के इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम सूर्यभान पटोले सभागृह में आई है, जहां पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके जन्मदिन के अवसर पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहां भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अब हम सीधा रुख करने चाहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजक राजेश नेरकर हमारे साथ में और तमाम कार्यकर्ता है। राजेश, ये बताएं कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मुळात रक्ताची जी समाजामध्ये कमतरता भासते आणि बऱ्याच गरजू गरिबांना त्याची पूर्तता होऊ शकत नाही, त्यानिमित्त आमचे जे मार्गदर्शक आहे केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही असा विचार केला की प्रत्येक प्रभागामध्ये आणि प्रत्येक नागपूरमध्ये आम्ही ब्लड कॅम्प घ्यावं आणि जेणेकरून जी पूर्तता आहे गरिबांना जी मिळत नाही त्याची आम्ही पूर्तता आमच्या मार्फत करावी, याच एका उद्देशाने आम्ही हा कॅम्प घेतोय। सर, आज कितने लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? आज या राजेश नेरकर यांच्या आयोजनामध्ये 50 ते 60 रक्तदाते या ठिकाणी रक्तदान करून गेलेले आहेत। या रक्तदानाचं आयोजन या भारत देशाचे आदर्श प्रेरणास्थान आमचे माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांची म्हणच आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या पद्धतीनं त्यांचा मार्गदर्शनच असल्यामुळे त्यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं असं एक काम करा की सेवेचे माध्यम म्हणजे राष्ट्रीय काम म्हणजे हे रक्तदान। रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे। आज एखाद्या गरीब माणसाला जर त्याचा जीव जात असेल आणि जर ते रक्त जर मिळत असेल तर त्याच्यासारखी सेवा दुसरी या जगामध्ये कोणतीही नाही, असं काम या नितीनजी गडकरी साहेबांच्या आज जन्मदिवशी निमित्ताने या रक्तदान शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। सर्व मी आयोजकांचे अभिनंदन करतो, सर्वांचं कौतुक करतो और शुभेच्छा देतो। दान में दान रक्तदान कहा जाता है और हम जैसे कि बता दें आपको कि कई अस्पताल में मरीजों को खून की काफ़ी दिक्कतें आती है, किल्लत है, कमी है। ऐसे में जो जिस प्रकार से कई नेताओं के जो जन्मदिन मनाए जाते हैं कार्यकर्ता बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ ये जो रक्तदान का शिविर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं उन जरूरतमंद जो ये मरीज जो रहते हैं उनके कामकाज आ सकता है। हर किसी ने रक्तदान करना चाहिए क्योंकि दान में दान रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ जो कहा गया है। सूर्यभान पटोले सभागृह से कैमरा पर्सन
राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरा, BC News नागपुर।